पिछला बेटा जी हमने आपका साइंस का जो भी चैप्टर कर रहे थे फूड एंड हेल्थ, और उसका आज हमारा टॉपिक है डिजीज़ रिलेटेड टू फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। जो भी डिजीज़ आपकी फूड हैबिट से रिलेटेड है या फिर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो फर्स्ट है आपका डिजीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी। डिजीज़ क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की वेयर अ स्मॉल और लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकम्स अनहेल्थी। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट या फिर आपकी बॉडी का कोई भी बड़ा पार्ट क्या हो जाता है? अनहेल्थी हो जाता है, ठीक है, तंदुरुस्त नहीं रहता। सम डिसीजेज आर कॉज्ड वेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जब आपकी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती, तभी आपको वो डिसीजेज लगते हैं। सम आर कॉज्ड वेन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। सम डिसीजेज कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं, बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जब आपकी बॉडी जो है उसका कोई भी पार्ट प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। वाइल सम डिसीजेज आर कॉज बाय हार्मफुल जर्म। तो थोड़े से डिसीजेज ऐसे होते हैं, कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जो हार्मफुल जर्म्स के द्वारा ही फैलते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज इन विच दे लेड दे लाइफ। अलग अलग पीपल के अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, लाइफ स्टाइल बोलते हो वे को, ठीक है, जिसके साथ वो अपनी लाइफ जीते। व्हेन पीपल एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल ईट एक्सेस फैटी फूड एंड डू नॉट एक्सरसाइज। जब जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल होता है कि वो ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, ऑयल वाले फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, इट लेड्स टू द लाइफस्टाइल डिसीजेस। इसे क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं। जैसे ओबेसिटी, वो मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। सम हैबिट्स जैसे स्मोकिंग की किसी को हैबिट होती है तो उसको लंग कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? अनहेल्दी ईटिंग हैबिट है। जब आपके खाने की जो हैबिट्स है वो ख़राब हो, वो पूरी तरह से अच्छी ना हो, स्ट्रेसफुल लाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, ठीक है, लेड टू द ओबेसिटी, मतलब मोटापा आ जाता है। अनदर हु इज़ ओवर वेट, या फिर जिनका ज़्यादा वेट होता है वो, उनको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस डे इन दिनों में ओबेसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है अडल्ट्स में, नौजवान लोगों में और बच्चों में, ठीक है। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल एंड जंक फूड लेड टू द अनॉर्मस वेट गेन। जो भी हम जंक फूड खाते हैं या फिर हमारा जो इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की बैठे रहना, वो कि उसे हम क्या कर लेते हैं, वेट हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है एंड लेड्स टू द वेरियस डिसऑर्डर। और बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारी बॉडी में इन द बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर हम वो लगातार खाते रहते हैं जो अपने जंक फूड है। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है दैट डिवेल्प्स व्हेन योर ब्लड लैक्स इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। ये एक ऐसी कंडीशन है जब यहाँ पे आपके जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, लैक हो जाती है। अर्लियर द डिसीज़ वाज एसोसिएटेड विद पीपल हु आर पुअर एंड डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। पहले ये डिसीज़ सिर्फ उन्हीं को होता था जो लोग पुअर होते हैं और उनके फूड में पूरी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या फिर उनके खाने के लिए प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पाता था। बट आज के दिनों में ये कॉमन प्रॉब्लम है अडल्ट्स की और चिल्ड्रंस की। द मेन रीज़न इसके पीछे क्या है? दैट अ बींग ईटिंग है फूड दैट लैक इन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। कि आजकल हम वो वाला खाना खाते हैं, जैसे फैटी फूड खाते हैं या फिर वो वाला खाना खाते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते। द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, वही उन्होंने बोला कि जंक फूड खाते हैं ऑफ ऑल एजेस हैड लेड टू द इंक्रीज एनीमिया, जिसके कारण एनीमिया खून की कमी होती है, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया बिंग फैटीग, मतलब थका थका रहते हो, लॉस ऑफ एपिटेट, भूख नहीं लगती है, पेल स्किन कलर, स्किन का कलर थोड़ा पीला हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं रहती, लो बॉडी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे हैंड देख ही सकते हो, ये एक हेल्थी पर्सन का हैंड है और जिसमें एनीमिया होता है उसका हैंड येलोइश हो जाता है, ठीक है।